أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير There is only one incident of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in which the Prophet asked a slave girl, where is Allah? And she pointed to the heaven. Where is Allah? Because your aqeedah is so important. Without your aqeedah, nothing is acceptable. And hence, in aqeedah, the most important thing is your belief in Allah. So what do you believe in Allah? Where is Allah? This is such a foolish question. This is an innovate, this is a bidah. काफी हद तक में कुछ मिलावट थी आपकी हिंदू फिलोसफी की और इस्लाम की मिलावट थी. आपने कहा कि ईश्वर यहां मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं. पहला चीज, हम ये हिंदू फिलोसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है. ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है. अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स. अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है, जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में. वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो है. ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है. ईश्वर अर्श पे है. और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं. जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे. मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में. मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते, को देख सकता हूं मैं, आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं. तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मेरे सलाम बेहोश हो जाते. पहाड़ को देखिए, ईश्वर को देखिए, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है. ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत तो इंशाल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहेंगे. इस दुनिया में नहीं देख सकते, मुमकिन ही नहीं है. हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे. तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ. और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है. और मैं मिसाल पेश करूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा कि एक शख्स आके एक नेक इंसान से पूछते हैं कि ये तलवार है और मैं इस तलवार से आप पर हमला करूंगा. आपका अगर ईश्वर है तो आपको बचा ले. पहले दरख्वास्त होती वो आदमी से कि अगर ईश्वर है तो आप हमला करो और मुझे बचाओ. तो ये धार्मिक इंसान, तो इससे ये जाहिर होता है इस मिसाल से कि जरूरी नहीं अगर मौजूद है तो वो आके बचाए. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जाहिर करना जरूरी नहीं है. मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं. क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है. हवा करती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है. तो ये कि वो इतना को और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे. ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता. ये अपने ही अकाबर के फतावा में मैंने पढ़ा है. एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया. लेकिन मेरे हर दफा आंसू ताजा हो जाते हैं
कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने वो जगह देखी है, मैंने सफर किया, मैं उसकी वहशत, मैंने ढूंढा कबर को मुबारक को, 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 मैंने ढूंढा कबर को मुबारक को मना किया था। मौलाना फरमाते हैं तारे जमील साहब कि अल्लाह ने अपने नबी को पुकारा किस तरह, या अय्युहन नबी। अब इसका तर्जुमा सुनिए और याद रखिए, तर्जुमा सुनने से पहले जो मजमा है वो मजमा बाबे बोल मोलडा शरीफ के दरबार का मजमा है, वो कब्र परस्तों का मजमा है, उसमें मौलाना पर कहते हैं या अय्युहन नबी, तर्जुमा करते हैं ए गैब की खबरें सुनाने वाले, और नीचे से मजमा नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे गौसिया। या अय्युहन नबी, ए गैब की खबर सुनाने वाले, गैब की खबर सुनाने वाले या अय्युहन नबी में से किस हर्फ का तर्जुमा आपने किया है, किस लफ्ज का तर्जुमा किया है? क्या ये अल्लाह के कुरान को अपनी जुबानों से मोड़ना और ट्रोलना नहीं है? ला हौला वला। हम उनको मौका देंगे। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि अल्लाह रखता है क्या शरीफ ना, अल्लाह अगर अल्लाह अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो क्या देखा जा सकता है क्या? अल्लाह किधर? खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। नहीं, अल्लाह किधर आपने कहा? घरे दबे हाँ, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हाँ तो भाई साहब, जा सकता है। भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है, अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं, तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है कि आप अल्लाह को देख सकते नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते, और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह को तो देखा नहीं उन्होंने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो सकते, तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वच देखेंगे, ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते इस इम्तिहान, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वच देखेंगे, अल्लाह का। जी माइक नंबर 4 में जो खातून है सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान शाहबाद से हूं और मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं। डॉक्टर साहब, हर मुसलमान कुरान और हदीस पे अमल करता है, लेकिन मुसलमान नाम के अलावा हमें दूसरा लेवल लगाना चाहिए, जैसे कि तबलीग जमात, अहले हदीस या सुन्नी जमात, क्योंकि आज का प्रोग्राम का जो पॉम्पलेंट लगा था कॉलेज में, मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स पूछे थे कि अहले हदीस क्या है। भाई साहब का सवाल है कि हम मुसलमान अपने आप को मुस्लिम कहना चाहिए वो मानते हैं, लेकिन कोई जमात देना ऑर्गेनाइजेशन सही है कि ये जायज है? तो कोई जमात मतलब ऑर्गेनाइजेशन, हम एक काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे
मेरे इदारे का नाम है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इदारे का नाम रखना ये जायज है। जमेतुल अहले हदीस एक इदारे का नाम है तो इदारे के हिसाब से जायज है, लेकिन अगर कहूंगा कि जमेतुल अहले हदीस वाले ही जन्नत में जाएंगे या आईआरएफ वाले, मैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से ताल्लुक रखता हूं, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से ताल्लुक रखेंगे तो ही जन्नत में जाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इदारे का नाम रखना जायज है। जमियतुल अहले हदीस ये ऐसी जमियत है जो कुरान और हदीस सही हदीस पे अमल करती है, अच्छी बात है। तबलीग जमात जो तबलीग करते, मैं भी तबलीग करता हूं, तो नाम देना एतराज नहीं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना ये इजाजत है, लेकिन दीन में बंटवारा करने के लिए नहीं। ये इदारे मिसाल के तौर पर कंपनी के नाम होते, कई कंपनी है तो कंपनी का नाम देते, दीन में बंटवारा करने के लिए नहीं, काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे तबलीग जमा, तबलीग सही मतलब है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ बुलाना, तो मैं तकलीफ कर रहा हूं, असल में तो मैं तबलीग हूं, मैं मुबल्लिग हूं। तबलीग जमात का नाम होना चाहिए इस्लाह जमात, वो गैर मुस्लिम की तरफ थोड़ी जाती है, वो तो मुस्लिम की तरफ जाती है। तो तबलीग अगर जमात में तबलीग जमात रखता हूं क्योंकि मैं तकलीफ कर रहा हूं, तो जमात का नाम रखने से कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं तबलीग जमात हूं, मैं तबलीग क्यों, अच्छा मुसलमान हूं, मैं जन्नत में जाऊंगा, तो प्रॉब्लम है। कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें लिखा है कि तबलीग जमातें जन्नत में जाएंगी, या आईआरएफ वाले, इस्लामिक रिसर्च वाले, फाउंडेशन वाले, वो जाएंगे जो मुस्लिम है। मुस्लिम मानी अल्लाह, अल्लाह की बात मानना, जो अल्लाह की बात मानता है और अल्लाह के रसूल की बात मानता है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन सिर्फ लकब देने से क्या मैं जमात इस्लामी हूं, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जमात इस्लामी मुझे एतराज नहीं, लेकिन कोई भी इदारा बनाता है आप बनाते हैं, वो इदारा अगर कुरान और हदीस के ऊपर चल रहा है मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आप अगर इदारा बनाते हैं और वो कुरान और हदीस पे अमल नहीं करता है तो मुझे एतराज है। तो कोई भी आप अगर ऑर्गेनाइजेशन को इसके साथ जुड़ना चाहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं, सिर्फ इतनी तहकीक करो कि वो इदारा कुरान और सही हदीस पे अमल कर रहा है क्या नहीं। हर इंसान कहता है मैं कुरान हदीस पे अमल करता हूं, हर मुस्लिम, तहकीक करे तो पता चलता है कौन सी हदीस ज़ईफ है, मौज़ू है। तो आप अगर इदारे से जुड़ने के पहले इतना तहकीक करो कि इदारा कुरान और सही हदीस पे अमल कर रहा है, चाहे वो आईआरएफ हो, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन हो, चाहे जमीतुल अहले हदीस हो, या जमात इस्लामी हो, तबलीग जमात हो, आप इतनी तहकीक करो क्या ये इदारा जो भी चीज इस्लाम के बारे में कह रहा है क्या वो कुरान के हिसाब से कह रहा है, क्या वो सही हदीस से साबित कर सकता है, कर सकता है। उस इदारे से जुड़ने से कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन अगर वो इदारा कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहा है तो उस इदारे से बचो। तो इदारा बनाने कोई हराम नहीं, लेकिन इस्लाम में फिर के मत बनाओ। तो जमात काम के सिलसिले में कोई आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते उसके लिए कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन दीन में फिर के मत बनाओ। होप डन। लेकिन मेरे हर दफा आंसू ताजा हो जाते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने वो जगह देखी, मैंने सफर किया, उसकी वहशत, मैंने ढूंढा कब्र को मुबारक को, 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 मैंने ढूंढा कब्र को मुबारक को।